एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देखिए आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आइकिया होम डेकोर प्रोडक्ट। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही आइकिया के जो फर्नीचर है उनके बारे में रिव्यू किया है। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। साथ ही साथ मैंने अमेजन से भी क्या क्या जरूरत की चीजें ली है वो उसका भी मैंने शॉपिंग हॉल बनाया था। अगर वो भी आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वो जरूर चेक करिएगा। तो जब हमारा घर मैं डेकोरेट कर रही थी ना, जब मैं प्रोसेस में थी, तो हम 3 से 4 बार आइकिया के हमने चक्कर काटे थे। मैं इसलिए एक बारी में सारा सामान लेके नहीं आती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं अननेसेसरी कुछ सामान लेके आ जाऊं और फिर वो वेस्ट हो जाए या फालतू का मतलब एक्स्ट्रा सामान आ जाए। इससे बेटर है कि मैं आराम आराम से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे सामान लेकर के आना स्टार्ट करूंगी। तो उस प्रोसेस में मैं काफी चीजें लेकर के आई थी होम डेकोर की आइकिया से, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, काफी बजट फ्रेंडली भी है और घर को सुंदर दिखाने में काफी अच्छा खासा रोल प्ले कर रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वही सारी चीजें आइकिया की शेयर करने वाली हूँ। सो यस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। सबसे पहला जो प्रोडक्ट मुझे पता था कि मुझे ये लेना ही लेना है, इज दिस गोल्डन कलर की फ्रेम। जो अपने घर में थीम दिया है, इट्स व्हाइट एंड गोल्डन मेजरली विथ अ हिंट ऑफ वुडन कलर। तो ये बहुत शुरू से ही था कि जो भी मुझे वॉल आर्ट या वॉल पेंटिंग लगाना है वो बेसिकली मेरे खुद से मेरे हाथ से बनी हुई होगी, हैंड पेंटेड होगा। ये कोई मेटल की फ्रेम्स नहीं है, बट इट गिव्स एन इल्यूजन कि जैसे कि ये मेटल की फ्रेम है। मतलब दूर से क्या, पास से भी देखोगे तो आपको ये मेटल ही लगेगा, उसको टच नहीं करोगे। सो इट्स अ वेरी नाइस डील। नाउ कमिंग टू माय सेकंड प्रोडक्ट, इज दिस ब्यूटीफुल गोल्डन छोटा सा फ्लावर पॉट और फ्लावर वास। इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी एंड बहुत डेंटी सा है, पतला सा है। इसमें 3 कलर आते हैं, एक सिल्वर कलर आता है, रोज गोल्ड कलर आता है और एक गोल्डन कलर आता है। क्रोम फिनिश में है ये, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा लगता है। 250 या 249 या 250 इस तरीके के कुछ प्राइस का था एंड अमेजिंग क्वालिटी है। दिखने में बहुत रॉयल एंड बहुत रिच लगता है, बट एक्चुअली में बहुत सस्ता प्रोडक्ट है एंड काफी क्यूट सा है। मतलब एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर देता है ये। सो दिस इज माय सेकंड प्रोडक्ट। उसके ऊपर जो आप ये फ्लावर स्टिक देख रहे हैं ऑरेंज कलर की, ये भी मैंने आइकिया से ही ली थी। आइकिया के फ्लावर्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं आप मार्केट के फ्लावर्स से अगर कंपेयर करेंगे तो, बट नो डाउट अबाउट इट कि आइकिया के जो फ्लावर्स हैं वो दिखने में काफी रियल इफेक्ट देते हैं एज कम्पेयर टू वैसे प्लास्टिक के चीप फ्लावर्स नहीं लगते हैं। दे लुक रियली रियल, मतलब एकदम रियल इफेक्ट देते हैं। सो दैट्स व्हाई आई लाइक कि हाँ, उसमें फिर आपको 100-200 रुपये अगर ज्यादा भी देना पड़े तो चलता है, क्योंकि इट लुक्स रियली रियल एंड काफी प्यार लगता है। पतली सी मिनिमल सी स्टिक है मैंने इसके अंदर, मतलब मैंने तभी सोच लिया था कि इसमें एक ऑरेंज स्टिक लगाऊंगी। मुझे तो पता था नहीं, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलर्स ऑरेंज तो मेरे घर में आना ही आना है। सो दैट्स व्हाई मैंने वो पहले से ही लेकर के रखी थी, यहां नहीं तो बेडरूम में लगा दूंगी, बेडरूम में नहीं तो किचन में रख दूंगी, कहीं ना कहीं तो मैं एडजस्ट कर ही दूंगी। सो दिस इज माय सेकंड थर्ड प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं फोर्थ प्रोडक्ट पे, इज दिस पॉट। मतलब इट्स लाइक अ प्लांट पॉट, प्लांटर पॉट है, गोल्डन कलर का, अगेन क्रोम फिनिश में है। कि इसमें भी 3 कलर्स आते हैं, सिल्वर कलर आता है, रोज गोल्ड कलर आता है एंड गोल्ड कलर आता है। इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड दिखता भी बहुत प्यारा है, क्योंकि इसकी क्रोम फिनिश है। अगेन वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट, आई थिंक दिस इज फॉर 349 रुपीज, 349 या 399, या तो 49 का अमाउंट होता है या 99। डेकोर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब इसी रेंज में, या तो 249, 299, 399, 349, 449, 445 ऐसे ही है सबका रेंज मोस्टली, जो मैंने नोटिस किया है। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। मैंने ऐसे 2 पॉट लिए हैं सिमेट्री क्रिएट करने के लिए। वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले मुझे आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना है। सो आई एम श्योर मेरी तरफ काफी सारे जो विमेन हैं वो फेस करते होंगे पिगमेंटेशन अपने स्किन पे। पिगमेंटेशन बहुत सारे तरीके की होती है, जो बेसिकली पिगमेंटेशन होती है इज ओनली बिकॉज ऑफ जब मेरा एक्ने होकर चला जाता है तो मुझे बहुत टाइम तक, मतलब एटलीस्ट 2 to 3 months तक मेरे फेस पे उसका डार्क स्पॉट रहता है। किसी को अगर एक्ने नहीं होता होगा तो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से समटाइम्स कहीं कहीं स्किन पे पिगमेंटेशन, किसी के फोरहेड पे पिगमेंटेशन होता है ना। पिगमेंटेशन बहुत सारे तरह की होती है और किसी भी रीजन से हो सकती है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है पिगमेंटेशन होने के। आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज डर्माको 2% कोजिक एसिड फेस सीरम एंड फेस क्रीम। तो ये फेस सीरम है और ये फेस क्रीम है। इसका हीरो इंग्रेडिएंट है इज द कोजिक एसिड। सो बेसिकली कोजिक एसिड करता क्या है, इट पेनिट्रेट्स थ्रू द स्किन टू रिड्यूस हाइपरपिगमेंट ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट्स। ये आपकी स्किन का जो डिस्कलरेशन होता है ना उसको भी मिनिमाइज करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन टोन को इवन आउट करता है। इन शॉर्ट बोलूं तो ये हेल्प करता है आपकी स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करने में। सो लेट मी शो यू हाउ टू यूज
यूज दीज प्रोडक्ट, आपको ये एडवाइस किया जाता है कि एक टाइम पे आपको एक ही प्रोडक्ट यूज करना है. अगर आप क्रीम यूज कर रहे हैं तो आपको सिरम यूज नहीं करना है, अगर आप सिरम यूज कर रहे हैं तो आपको क्रीम यूज नहीं करना है. और हमेशा यूज करने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर करना है. शर्मा कोका 2% कोजिक एसिड फेस सिरम है, इसके साथ एक एप्लीकेटर आता है सिरम लगाने के लिए, आप उसमें इसको स्विच कर सकते हैं. आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस थॉरली आपको 3 से 5 ड्रॉप सिरम के अपने फेस एंड नेक एरिया पे लगाना है, मसाज करना है जब तक सिरम अब्सॉर्ब नहीं हो जाता है. इसको आपको रात में अप्लाई करना है और एवरीडे यूज करना है. ये 2% कोजिक एसिड क्रीम है जिसको आपको मॉर्निंग में यूज करना है, एवरीडे यूज करना है, नाइट में आपको सिरम यूज करना है. कोजिक एसिड की क्रीम लगाने के बाद आपको ये 1% हाइरोलोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल लगाना है. इट हैज अ पावर ऑफ SPF 50 एंड PA 4x+ फॉर्मुलेशन. इट्स सुपर लाइट वेट, फ्रेग्रेंस फ्री एंड डिजॉल्व लाइक वाटर. इसका जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है हाइरोलोनिक एसिड एंड विटामिन ई का, ये हेल्प करता है सन डैमेज से फाइट करने में. साथ ही साथ ये आपकी जो फाइन लाइंस उनको रिड्यूस करता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है एंड मेक योर स्किन सॉफ्ट लाइक बटर. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट्स का लिंक दिया रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा. स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% ऑफ द डर्माको की वेबसाइट पर. आप जब भी डर्माको की वेबसाइट से डर्माको का प्रोडक्ट परचेस करेंगे, डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प to educate along with Bhumi. They have pledged to help 10,000 plus students across the year, which is a really, really good cause. तो अच्छा प्रोडक्ट तो मिल रहा है, साथ ही साथ आप एक बहुत ही अच्छे कॉज को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ. कमिंग टू दिस नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटिफुल गोल्डन कोस्टर्स. तो बेसिकली मुझे लेना नहीं था ना, मैंने प्लान किया हुआ था. जस्ट दैट जो निकनैक्स ऐसे रखे रहते हैं IKEA में, आप जैसे ही मैंने उसमें नजर गया लाइक दिस इज सो क्यूट और एकदम मेरी थीम पे जा रहा है और मैंने उसको परचेस कर लिया. सो मुझे तो काफी अच्छा लगा. एक दो बार गरम गरम चीजें हमने उसके ऊपर रखी भी हैं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो अभी तक आया नहीं है. बट इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट और मुझे तो काफी अच्छा लगा. और इसका प्राइस थोड़ा सा आई थिंक 399 ऐसा कुछ था. मेटल का है ये प्रॉपर एंड स्लीक सा है, बहुत अच्छा लगता है, क्लासिक लगता है. सो दिस इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट. नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस सिरेमिक पॉट. काफी प्यारा सा पेस्टल पिंक कलर का सिरेमिक पॉट है. आपने काफी लोगों के पास देखा होगा बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी फेमस प्रोडक्ट, क्योंकि लगते बहुत प्यारे हैं. मतलब आप जितनी भी बार इसको कितनी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, हर बार आपको कुछ नया इफेक्ट देंगे. दे आर वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल एंड काफी क्लासी से लगते हैं. और उसका कलर भी काफी म्यूटेड पिंक सा है, तो इसमें चटक भी नहीं लगता है और बहुत डल भी नहीं लगता है. वेरी ब्यूटीफुल कलर, आई रियली लाइक दैम. मैं इसमें रियल अपने जो मनी प्लांट्स है वो रखती हूँ. अगेन मैंने ये 2 का सेट लिया. आप चाहे तो बैल्कनी में रख सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं, बेडरूम में, लिविंग रूम में, कहीं पर भी रख सकते हैं. दे लुक अमेजिंग. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस क्यूट एंड छोटू सा फ्लावर वास. बहुत ही क्यूट लगता है. मतलब मेरे पास ये पिछले साल से है, जब IKEA में फर्स्ट टाइम गई थी तब मैं इसको लेकर के आई थी. अभी भी मेरे घर में कोई भी आता है ना तो सबसे पहले उसको मैं यूजुअली अपने सेंटर टेबल पे रखती थी पहले. तो मेरे घर में कोई भी आता था, एवरीवन यूज्ड टू आस्क मी आपने कहाँ से लिया है, बहुत ही क्यूट है, हमारे लिए भी मंगवा देना. आई डोंट नो ये स्टिल की अभी स्टॉक में है या नहीं है, बिकॉज मेरी फ्रेंड बहुत बार मुझे बोल चुकी तुम जब भी IKEA जाओ मेरे लिए जरूर लेके आना. मैं जितनी बार गई हूँ मैं स्पेशली ढूंढती हूँ ये वाला पॉट, पर मुझे मिलता नहीं है. इवन ये ऑनलाइन भी अभी तक पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा अवेलेबल है कि नहीं है. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉट. वेरी वेरी क्यूट, अगर आपको मिले तो जरूर लेना. भले आपकी थीम से नहीं जा रहा, आप कहीं भी रखने के लिए ले लेना, बट दिस इज अ वेरी क्यूट प्रोडक्ट. कॉर्नर में एक अच्छा सा कलर क्रिएट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बंच ऑफ फ्लावर्स. बहुत ही प्रिटी कलर्स हैं इसमें. पिंक कलर है, लाइट ऑरेंज कोरलिश कलर है, कोरल कलर के हैं ये, ऑरेंज नहीं बोलूंगी इनको मैं. पिक्चर में थोड़ा ऑरेंज लग सकता है आपको, बट दिस इज एक्चुअली अ कोरल कलर. मिक्स ऑफ जो कलर्स हैं वो बहुत प्यारे हैं. मतलब बंच आप कहीं पर भी रख दो, किसी भी डल कॉर्नर को ये एकदम एनहैंस एंड लाइफ दे देते हैं. बहुत सुंदर लगते हैं मुझे. मतलब जैसे मैंने देखा था ना, मुझे ये इतने ज्यादा सुंदर लगे थे, आई वाज लाइक ये तो मैं ले ही लेती हूँ. मैंने बताया ना उनके फ्लावर्स मुझे काफी सही लगे. दो आई बिलीव इन कीपिंग लाइव प्लांट्स, तो प्लांट्स तो मैं यूजली काफी सारे लाइव रख लेती हूँ, बट फ्लावर्स का हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप हर बार जाकर के फ्लावर्स खरीद करके लाओ. वो भी सीजन होते हैं, सीजनल होते हैं बहुत सारे फ्लावर्स तो इस तरीके के, और काफी एक्सपेंसिव भी पड़ जाते हैं अगर आप हर लेकर के आओ उनको. सो इसलिए थोड़े पास फेक फ्लावर्स होना भी जरूरी है, सो दैट आप किसी भी कॉर्नर को अच्छे से एम्प अप कर सकते हो. माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस अगेन फ्लावर स्टिक. और ये जो पॉट आप देख रहे हैं ये जग स्टाइल में फ्लावर वास है, ये भी अगेन वेरी कॉमन है. मेटल का है, बहुत अच्छा लगता है. आप बहुत सारे आप इसको अपने किचन में रख सकते हो, उसके अंदर मनी प्लांट की स्टिक डाल सकते हो, किसी भी कॉर्नर में आप रख देते हो ना, लगता बहुत ज्यादा प्यारा है. तो फ्लावर वास है ना, इसका एक्चुअली में शेप मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. दिस इज माय नेक्स्ट प्रोडक्ट. व्हाइट कलर का है, एक साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ, अमेजिंग है. इसके ऊपर की जो स्टिक है ये भी मैंने IKEA से परचेस करी थी. दिस इज अ लिली और बिल्कुल रियल लगती है. मतलब दूर से तो एकदम रियल लगती है, पास से समझ में आ जाता है कि फेक है, बट दूर से ये काफी ज्यादा रियल लगती है. सो दिस इज माय नेक्स्ट प्रोडक्ट. कमिंग टू माय लास्ट प्रोडक्ट इज दिस डाइनिंग टेबल रनर. नॉट एग्जैक्टली डाइनिंग टेबल रनर, आप किसी के भी ऊपर रख सकते हो. दैट्स व्हाई मैंने इसको डाइनिंग टेबल पे लगा करके रखा है. काफी सुंदर सी है ये और सिंपल सा है, कॉटन की है, एकदम मिनिमल सा डिजाइन है. मुझे काफी अच्छी लगी थी. मैं सोचा था ये रनर मैंने ले लिया था, मैंने सोचा था या तो मैं चेस्ट ऑफ ड्रॉअर पे लगा दूंगी, बेडरूम पे कहीं यूज कर लूंगी, अदरवाइज मैं अपने डाइनिंग टेबल
मैं तो उसको यूज कर ही कर ही लूंगी. सो दिस इज माई लास्ट प्रोडक्ट. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दीज कैंडल्स. आइकिया की जो कैंडल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं. एक तो काफ़ी सस्ती आती हैं, लेकिन इनका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत नेचुरल होती है, बहुत अच्छी धीमी धीमी यू नो खुशबू आ जाती है पूरे रूम पे जब भी आप इसको लाइटन अप करते हैं. सो आई रियली लाइक देयर कैंडल्स, और बजट फ्रेंडली भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और चलती भी काफ़ी अच्छी हैं. सो यस, दिस इज माई लास्ट प्रोडक्ट. मैं एक्चुअली इसको शेयर करना भूल गई थी. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड यूजफुल लगा होगा. प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप चेक कर लीजिएगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.